नमस्कार दोस्तों, मैं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ, शाम के 9 बज चुके हैं। जैसा कि आज मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, मॉडल टेस्ट है दोस्तों। जैसे मैंने काफ़ी सारे मॉडल पेपर यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर करवाता रहता हूँ, आर्मी लेवल के और मैथमेटिक्स की सुबह लाइव क्लास लगती है, वो रोज़ाना लिया करो आप मैथमेटिक्स यदि आपको कवर करनी है। दोस्तों चलिए आज बिना देर के आज का टेस्ट शुरू करने वाले, जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर करके आ जाओ, क्योंकि शाम को 9 बजे वाली क्लास कभी कभी होती है, तो जल्दी से एक बार शेयर करके आओ ताकि अपने दोस्तों को भी पता चल सके कि क्लास का टाइम हो गया है। और सुबह वाली 7 बजे वाली तो रोज़ाना होती है, और कल आपको दोस्तों जैसा कि मालूम है सुबह 8 बजे साइंस और जीके के आर्मी लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे 500 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ दोस्तों। मैराथन क्लास होगी तो उस क्लास को अटेंड जरूर करना, क्योंकि सुबह आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। जिनको 19 जनवरी को एग्जाम है खास तौर से, उनके लिए वो क्लास लगाई जा रही है, तो वो क्लास जरूर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का टेस्ट शुरू करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो भाई चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, और क्लास को जल्दी से कर दो लाइक। इस क्वेश्चन का दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है आज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करवाया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को। और यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार आए तो वो दिया जाता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, खिलाड़ियों के कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश वाला पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है दोस्तों। आप सबको पता है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वो क्या है, श्रीनगर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, आधी रात का सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कह दे या डूबते हुए सूर्य का देश कह दे, ये मतलब आपको ध्यान रखना, डूबते हुए सूर्य का देश भी नॉर्वे ही है, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है मध्य रात्रि का सूर्य का देश, या आपको कहे डूबते हुए सूर्य का देश वो नॉर्वे है, और यदि आपको कहे ना उगते हुए सूर्य का देश दोस्तों जापान है, ये उगते हुए सूर्य का देश है दोस्तों, ध्यान रखना उगते हुए, ये है डूबते हुए, और मध्य रात्रि का या कहे आधी रात का, दोनों क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आए हुए भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको पता है मुंडको उपनिषद से लिया गया, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों दे सकते हैं, हिंदी में थोड़ा सा मतलब नाम सही नहीं है, देख लेना आप, मुंडको उपनिषद से लिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों और आपको ध्यान रखना है संगीत का जनक वेद कौन सा है, सामवेद, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जो भी है, चलो ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो चिल्का झील दोस्तों आप सबको मालूम है ओडिशा में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों आप सबको पता है मिजोरम की राजधानी है वो क्या है, जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो दोस्तों आइजोल है, मिजोरम की राजधानी है वो क्या है, आइजोल है, ये आपको ध्यान रखना, कई जगह जो भी है आई सोल ऐसे भी लिखा आ सकता है, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आई जोल ये कई में जैसे आपको पता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कन्वर्सन करती है, तो थोड़े से मतलब आपको पता है नाम में कई बार थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो आइजोल है जो मिजोरम की राजधानी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जवाब भी दिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, व्यू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन, यानी व्यू एक नृत्य है आपको पता है वो किस राज्य का है, आपको ये बताना है दोस्तों। आप सबको पता है व्यू है वो किसका है, असम का है दोस्तों, असम का है, बिल्कुल कई दोस्तों ने जवाब भी सही दे रहे हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, जल्दी से लाइव चैट में जवाब देना इस क्वेश्चन का, आपको कमेंट करके आज की क्लास में बताना है कि कथकली दोस्तों लिख रहा हूँ कथकली, ताकि आप भी मतलब क्या कुछ रिस्पॉन्स देते हम भी जान पाए, कथकली कहाँ का, ये भी मुख्य क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट कर लेना, ठीक है, और आप देख लेना कमेंट करके आज इसका जवाब देना आपको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लंदन किस
नदी के तट पर बसा है। दोस्तों जल्दी से जवाब दो। देखो दोस्तों वैसे मैंने इसकी मतलब, वैसे आपको पता है मैं जीके नहीं पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन खोज किया दोस्तों, मुझे इसका जवाब वैसे देखा तो टेम्स लग रहा था, काफ़ी जगह टेम्स दे रखा है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको दोस्तों, यहाँ टेम्स मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। मैं दोस्तों फिर कह रहा हूँ, मैं जीके नहीं पढ़ाता हूँ, फिर कह रहा हूँ जीके में नहीं पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रत्येक में सोल्यूशन के साथ दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप एक बार जो आपके जीके के अध्यापक हो, जो जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ आप पता जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या कई नाम ऐसे होते हैं, और मैंने नेट पर सर्च किया तो ये टेम्स भी दिखा रहा है, टेम्स भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है दोस्तों। मैंने थोड़ा चेक किया था ये, क्योंकि ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो एक बार आप अपने जो भी टीचर है उनसे पूछ जरूर लेना, ये मैं कन्फर्म नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं, फिर कह रहा हूँ नहीं पढ़ाता हूँ मैं जीके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैथ में कोई दिक्कत हो तो मैं प्रत्येक का सोल्यूशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस भी बता दूंगा, साइंस में बायोलॉजी इतनी नहीं आती है, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, एक नक्शे का प्रयोग आप क्या मतलब पा सकते हैं, नक्शे से आप देख कर क्या बता सकते हैं दोस्तों, दूरी बता सकते हैं, सबको पता है, दिशा भी बता सकते हैं, ऊंचाई भी बता सकते हैं, इनमें ये सब है दोस्तों, इनमें से सब है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी काफी सारे स्टूडेंट ने जवाब भी सही दिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होती है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कह दे, या इस तरह से कोई क्वेश्चन आए, इसका दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप सबको पता है भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कह दो, या कह दे सर्वोच्च बलों, सशस्त्र बलों का मतलब सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों। आपको पता है भारत का राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, आराम से आप नोट कर सकते हो दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो दोस्तों सबसे गहरा सागर है, बड़ा सागर या कह दे वो प्रशांत महासागर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना प्रशांत महासागर ही है, और ये भी आपको बताना है प्रशांत महासागर में कौन सी जगह है वो सबसे गहरी है, ये आपको बताना है, आप बताना कॉमेंट करके ये भी आप बता सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दोस्तों अभी तक यदि क्लास को लाइक नहीं किया तो हमारी मेहनत के लिए क्लास को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सुबह आपके लिए देखना कितनी मेहनत करके हम सुबह की मैराथन क्लास लगाएंगे, वो लेना मत भूलिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही आपके लिए पेपर और मैराथन क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जहाँ तक होगा सुबह की दोस्तों मैथ की क्लास नहीं होगी, सुबह मैराथन क्लास होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों क्या है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब करवाया था दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो भारत ने है वो मतलब आपको पता है भारत वैसे और तो मतलब स्वतंत्र तो आपको 1947 में हो गया था, लेकिन पुर्तगालियों से जो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था वहाँ से स्वतंत्र कब हुआ था आपको बताना है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा 1961 होगा दोस्तों, आप जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लग रही है आपको क्लास दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है दोस्तों, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता है पेरिस है वो किस नदी के मतलब तट पर या किनारे है, वो है सीन नदी के किनारे दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए इस पेपर में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में दोस्तों, यानी राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान कह सकते हैं, उद्यान जो भी है मतलब आपको वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। लखनऊ में दोस्तों आप सबको पता है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। H1N1 क्या है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है H1N1 दोस्तों क्या है, स्वाइन फ्लू है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हो दोस्तों ये क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो एकदम, मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही मैंने यहाँ इंक्लूड किया दोस्तों। जल्दी से चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों,
इनमें से लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस यानी आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो आपको पता है लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों, N2O होती है, ये आप नोट कर सकते हो, सूत्र इसका N2O होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है और लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों और कॉमेंट, चलो ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि आपकी कह रखा है कि सर ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा कम बताए करें, क्योंकि मैं आपको बता विस्तृत जानकारी कई बार आपको मतलब अंदर घुस जाता हूँ थोड़ा सा ये है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 आपके के सामने आगे क्या है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक कौन सा है। तो आप सबको पता है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है वो बॉक्साइड है दोस्तों, आप सबको पता भी है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप सबको पता है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूत्र क्या होता है, CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों, CO होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सबसे गहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, इनमें से कौन सा स्तनपाई यानी स्तनधारी कह दो या स्तनपाई जीव अंडे देता है। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, अंडे देने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है निम्न में से। तो आपको पता है डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, यानी प्लेटियस है दोस्तों, प्लेटियस है जो अंडे देना देने वाला स्तनधारी जीव है निम्न में जो दे रखा है, ठीक है। और आपको चमगादड़ है वो उड़ने वाला स्तनधारी है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्तनधारी है बल्ली व्हेल। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते हैं स्तनधारी से क्वेश्चन आ सकता है आपके, काफ़ी बार आया हुआ भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्या है, लेप्रोस्कोपी किस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। दोस्तों लेप्रोस्कोपी है वो किस से संबंधित, आपको पता है एक सर्जरी करवाया जाता है उसमें मतलब संबंधित है, ये सर्जरी से संबंधित है दोस्तों, इसका मतलब है ये किस से संबंधित है, जो भी हिंदी में नाम दे रखा है आपको इंग्लिश वाले याद रख सकते हो, ऑपरेशंस जो सर्जिकल ऑपरेशन मतलब आपको जो कोई हड्डियों से संबंधित या सर्जरी या बीमारी से संबंधित दोस्तों एक सर्जिकल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना ऑपरेशन की तरह मतलब एक अध्ययन का वो कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, आप ध्यान रख लेना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं दोस्तों, कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते, देखते थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए ना, पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी है दोस्तों, नोट कर लो, पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी है, मूल अवस्थाएं दोस्तों 3 है, और पदार्थ की वैसे देखिए तो कुल अवस्थाएं 5 है। तो आपको यदि सीधा क्वेश्चन पूछे ना पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, तो आपको 3 ही करके आना है, ठीक है, और वैसे 5 है, ठीक है। चौथी अवस्था दोस्तों आपको पता है प्लाज्मा है, चौथी दोस्तों प्लाज्मा है, और पांचवी बोस आइंस्टीन है, पांचवी क्या है दोस्तों, बोस आइंस्टीन है, ये आपको दोनों नोट कर लेना, पांचवी अवस्था पूछे तो बोस आइंस्टीन है और चौथी है प्लाज्मा। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, देखो पै में चार जैसा मंडल है, पै चार जैसा होता है, इसका मतलब प्लाज्मा चौथी है, बोस आइंस्टीन यानी पांचवें नंबर पे बोस आइंस्टीन आएगा। दोस्तों ये बढ़िया लॉजिक बताया ना आपको, कैसा लगा ये लॉजिक, प्लाज्मा में पी आर है इसका मतलब पी चार जैसा होता है, इसका मतलब चार नंबर वाली कौन सी है प्लाज्मा है, और पांच नंबर वाली बोस आइंस्टीन है, क्योंकि बोस आइंस्टीन पांच नंबर यानी 5 स्टार हम कहते हैं ना, तो आपको पता है वैसे फिजिक्स का 5 स्टार भी यही है, क्योंकि आइंस्टीन ने काफ़ी सारी समीकरणें दी थी फिजिकल के रूप में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है दोस्तों जल्दी से जवाब दो, निम्न में से एक मिश्रित उर्वरक है। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, तो आप सबको बताया इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, NPK। दोस्तों जल्दी से लाइव चैट में जवाब दो, NPK की फुल फॉर्म आपकी आ सकती है, काफ़ी बार आई हुई भी है, तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश वालों को भी आज कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब दे रखा मैंने। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब फुल फॉर्म बताओ, नाइट्रस, जल्दी से जवाब दो, क्या है, नाइट्रोजन ये फास्फोरस और पोटेशियम, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है याद रखना। आपको पता है नाइट्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन, फिर देखो P का मतलब होता है फास्फोरस, और K का मतलब क्या होता है, K आपको पता है किसका प्रतीक है, पोटेशियम का, ये ध्यान रखना दोस्तों, NPK फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, गाय का दूध किसका
समृद्ध स्रोत है। दोस्तों कौन सा विटामिन गाय के दूध में सर्वाधिक होता है? आप सबको पता होगा गाय के दूध में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। जिस किसी की आंख कमजोर हो तो गाय का दूध पीना चाहिए। गाजर में भी आपको पता है विटामिन ए पाया जाता है। ये रतौंधी नहीं होने देता, यानी आंख की रोशनी बढ़ाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? दोस्तों जल्दी से जवाब दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइफाइड बीमारी होती है वो आंत में होती है, आपको पता है आंत आंत से संबंधित बीमारी है ये। चलिए दोस्तों अगले, इसे आंतजवर के नाम से भी जाना जाता है, आंतजवर के नाम से भी इसे ही जाना जाता है दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो, आंतजवर के नाम से किसे जाना जाता है? वो टाइफाइड दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या है? तीन जड़ों का दान होता है। दोस्तों जल्दी से जवाब दो इस क्वेश्चन का, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। दोस्तों तीन जड़ों का दांत कौन सा होता है? आपको पता है डाढ़ होता है, और ये आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो। ये कई बायोलॉजी क्वेश्चन है वो आपको दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे, इसका मैं कोई तरीका नहीं बता सकता हूँ। फिजिक्स का लॉजिक जरूर होता है, लेकिन बायोलॉजी का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। मैं मैथमेटिक्स हूँ वैसे भी आपको पता है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बायोलॉजी वो आप देख लेना, ठीक है, फिर भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है? दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? दोस्तों जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब स्टार्च का पाचन लार के द्वारा होता है, ठीक है, मदद करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। कम दृश्यता की वजह क्या है? दोस्तों कम दृश्यता का मतलब कम दिखने की वजह क्या है? सीधी सी बात है दोस्तों, रेटिना का कमज़ोर हो जाना, क्योंकि आपको पता है रेटिना का कमज़ोर हो जाएगा तो हमें कम दिखाई देने लगेगा, ये है दोस्तों आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? क्या एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? दोस्तों मस्तिष्क का वजन बताना आपको कितना होता है, दोस्तों जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको पता होगा मस्तिष्क का वो मतलब वयस्क मनुष्य होता है, यानी उसके मतलब मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है दोस्तों। कई जगह 1400 भी लिखा आता है, कई बार ये ध्यान रखना है ना, एकदम मतलब औसत वजन की बात करें 1350 होता है, कई बार 1350 नहीं दे तो 1400 भी हो सकता है दोस्तों, ये दोनों नोट कर लेना, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत ये नहीं दे तो फिर हमें करना ही पड़ता है वो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पे होता है? दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। पानी का अधिकतम घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपको पता है ये मैंने बता भी रखा है दोस्तों, बर्फ जमती है तो उसका घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है, इसी कारण आपने देखा होगा गर्मियों में पाइप फट जाती है, क्यों? बर्फ जमेगी तो मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा इसका मतलब पाइप फट जाएंगे, दबाव पड़ेगा उस पर, पाइप फट जाएंगे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मतलब पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना। घनत्व मतलब अधिकतम की बात करें 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना। आयतन और घनत्व एक दूसरे के विलोम होते हैं, और जल का मतलब हम कवंतनाक की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से दोस्तों आपको पता है संक्रामक रोग कह सकते हैं हम, तो आपको पता है दोस्तों बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा रोग होगा? दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन एक तो आपके लिए भी छोड़ दे, ताकि आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सके, क्योंकि आपका भी हम रिस्पांस देखते हैं दोस्तों। यदि आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं तो हमें भी मतलब जो होता है ऊर्जा मिलती है, और हम भी ऊर्जा प्राप्त करके, आपको पता है ऊर्जा ज़्यादा तो प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि पलायन वेग बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कमेंट भी आप करते रहिएगा, साथ साथ हमें भी मनोबल बढ़ाते रहिएगा, हम ऐसे ही आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। तो इसका दोस्तों जवाब आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्या छोड़ दूँ? कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? दोस्तों आप सबको पता है जो सूर्य से आने वाली किरणें कौन सी होती है? जल्दी से वही तो होगी, पराबैंगनी किरणें। दोस्तों किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणें से बचाती है। हमारे जो ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना O3 होता है,
परमाणु कणु है ओजोन, इसका वो त्रि सूत्र होता है, और इसमें अभी देखो प्रदूषण बढ़ेंगे तो उसमें छेद हो रहे, तो उसमें मतलब वो हानिकारक परावैंगनी किरणें है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो अब पहुंच रही है, तो वो प्रदूषण हमें कम करना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन का जवाब और दे देना, फिर कहोगे सर एक्स्ट्रा बता दे, चलो नहीं बताऊंगा कोई बात नहीं, कई स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं ज़्यादा बताने पे, ठीक है वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है 32 आपके स्क्रीन के सामने है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको ही देना है, कॉमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दोगे दोस्तों, परेशान तो नहीं होगे ना, दो तीन क्वेश्चन आपको दूंगा ठीक है बीच बीच में, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको जवाब देना है, ताकि आप भी मतलब थोड़ा सा एक मतलब दिमाग लगा कि अपने आप पे दिमाग में लोड पड़ेगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको ही देना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या है, निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, तो आप सबको पता है निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है, आपको पता है ग्रंथि नहीं है बताना आपको, तो जल्दी से जवाब दो, पेट है ना, पेट ग्रंथि थोड़ी है ना, पेट होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफ किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है। तो आपको पता है प्रकाश के द्वारा बनाई जा सकती है, प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा, ए होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं, जल्दी से जवाब दो, तो आपको पता है किसके कारण, बेरियम के कारण होती है दोस्तों, बेरियम के कारण होती है वो पटाखों में हरी, मतलब हम बात करते हैं हरी जो आग होती है वो पटाखों में किसकी वजह से होती है, बेरियम की वजह से होती है। दोस्तों कई बार मतलब आर्मी का सिलेबस कई मैंने पेपर देखे पीछे आए हुए, तो उसमें क्या होता है रीजनिंग नहीं देता है, साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, आर्मी में दो लेवल का सिलेबस बनता है, एक तो बनता है जीके के 15 क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने पेपर जीके के 15 और साइंस के भी कितने 15 और 15 मैथ के, 15 मैथ के दोस्तों सिलेबस बता रहा हूँ थोड़ा सा, और 5 रीजनिंग के आते हैं, 5 रीजनिंग के आते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों रीजनिंग के नए देख के मतलब 20 दे देता है, साइंस के कितने दे देता है 20 दे देता है, और एक दो रीजनिंग के डाल देता है, ऐसे भी कई बार लेवल आया हुआ मुझे पता है, क्योंकि कई बार पीछे उत्तर प्रदेश में एक पेपर हुआ था उसमें इस तरह का लेवल दे दिया था, इस कारण मैंने थोड़ा सा आज मतलब लेवल आपके लिए थोड़ा सा मैंने चेंज किया, क्योंकि कई बार आ जाता है, और कई बार ट्रेड के पेपर में तो यहाँ ऐसा काफ़ी बार हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आपको चेंज करवाया लेवल, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 अब हमारा प्यारा सब्जेक्ट आ गया दोस्तों, थोड़ा सा कर लो सही कर लेता हूँ, चलो थोड़ा मैं कोई दिक्कत नहीं, ये सही कर लिया दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों जल्दी से जवाब दो, हमारा प्यारा सब्जेक्ट आ गया दोस्तों, कौन कौन इसका जवाब देंगे देखते हैं। आपको दे रखा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 12,500, ऊपर देख लो कोई दिक्कत नहीं, 12,500 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 125 मीटर है, तो इसके मतलब क्या बताने, परिधि बताओ, परिधि बतानी या कहे परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना दोस्तों, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का मान आपको दिया ही है 12,500 दिया ना दोस्तों, 12,500। अब देखो आपको पता है 125 का भाग दे दो आपकी चौड़ाई आएगी, 125 का भाग देंगे चौड़ाई आएगी, इसका मतलब चौड़ाई कितनी आएगी 125 आएगी ना, कितनी आएगी चौड़ाई आएगी 100, चौड़ाई कितनी आएगी दोस्तों 100 आएगी, चौड़ाई 100 आ गई और लंबाई आपके पास है 125, तो आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है ना, और आयत का परिमाप थोड़ा मैं दोस्तों सही नहीं लिख पाऊंगा, जैसा बोर्ड पे पढ़ाता हूँ वैसा नहीं पढ़ा पाऊंगा, परिधि क्या होती है दोस्तों, आयत की परिधि या परिमाप दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, एक्स प्लस वाई लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई को एक्स वाई लिख सकते हैं। अब देखो दो लंबाई कितनी है दोस्तों 125 और चौड़ाई कितनी है 100 है ना, इसका मतलब दोनों को जोड़ के दो से गुणा कर दो, कितना हो रहा है 225 गुणा दो यानी 450 आएगा ना दोस्तों, 450 कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों, थोड़ा मैं सही नहीं लिख पा रहा हूँ इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो आनंद ही अलग होता है, आप सुबह क्लास लेते हो तो देख लेना मैथ में कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से स्क्रीन पे पढ़ाने में थोड़ा मुझे आनंद नहीं आता दोस्तों, आप समझ गए होंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला आ गया 37 आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आपको कह रखा है 10, 20, x और 40 क्या है एक समान अनुपात में, एक अनुपात का मतलब यहाँ थोड़ा समानुपात लिख लो दोस्तों, एक अनुपात का कोई मतलब नहीं है, समानुपात में है तो आपको बताना x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 10 अनुपात 20
समानुपात लगा लो, यहाँ कितना एक्स अनुपात कितना 40 क्या दोस्तों। अब क्या करना आपको, आपको बताया है बाई ये मध्य पदों का गुणा बाई पदों के बराबर कर दो, यानी 20x बराबर कितना 10 गुणा 40, 10 गुणा 40, थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा हूँ क्या करें। फिर 20 से काट दो, दो बार कटाना, फिर 2 को 10 से गुणा कर दो कितना आता है 20 ना, इसका मतलब एक्स बराबर दोस्तों कितना आएगा 20 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 38 इजनिंग का है। यदि 10 जनवरी 2004 को दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। दोस्तों पहले बात, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष सिंपल वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दोस्तों फरवरी कितने दिन की होती है, एक बार जल्दी से जवाब दो, 28 दिन की होती है। जबकि लीप वर्ष में कितने दिन की होती है, लीप में होती है 29 दिन की। देखो दोस्तों यदि साधारण वर्ष की बात करिए तो हमेशा ध्यान रखना, मतलब प्रत्येक वर्ष में वो महीना लगता है वो एक दिन आगे बढ़ता है सामान्य वर्ष में एक दिन, जबकि लीप वर्ष में एक दिन और बढ़ गया ना 2 दिन बढ़ेगा। इसका मतलब पहले तो देख लो 2004 क्या है, लीप वर्ष है, जिसमें 4 का भाग जाए ना दोस्तों वो लीप वर्ष होता है। तो इसका मतलब लीप वर्ष है 2004, 2004 लीप वर्ष है, और 2004 की फरवरी 29 वाली शामिल हो रही है ना, देख लो हो रही है, क्योंकि 10 जनवरी से आगे मतलब बीच में आ रहा है, इसका मतलब फरवरी शामिल हो रही है। इसका मतलब 2 दिन बढ़ाना है, यानी आपको मंगलवार से 2 दिन बढ़ाओ बुधवार, और क्या होगा बुधवार बृहस्पतिवार यानी गुरुवार होगा, क्या होगा दोस्तों गुरुवार होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि दोस्तों फरवरी शामिल नहीं होती ना 29 वाली, तब एक ही बढ़ती बुधवार होता, लेकिन यहाँ लीप वर्ष है इस कारण 2 बढ़ेगा, यानी बुधवार और बृहस्पतिवार यानी क्या होगा गुरुवार होगा। बृहस्पतिवार गुरुवार का ही नाम है दोस्तों, ध्यान कर लेना बृहस्पतिवार, ठीक है ये भी नोट कर लेना, ताकि कई बार मतलब बृहस्पतिवार भी नाम दे सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है एक साइकिल सवार 1 घंटे में कितने देर के 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट में बताओ। दोस्तों इसका मतलब हमारी दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, और समय किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। आपको पता है चाल बराबर, थोड़ा सा ऊपर ले लो क्या, चलो थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय होता है, थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा हूँ, दूरी बटे समय, दूरी बटा समय होता है दोस्तों, ये नोट कर लेना ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूरी कितनी, दूरी आपको दोस्तों किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। मीटर में देखो आपको कितनी दी है, देखो किलोमीटर 12, इसका मतलब कितने 0 लगा दूँ, 3 लगा दूँ ना, क्योंकि आपको पता है 1000 से गुणा करते हैं, लगा दिया। अब देखो समय किस में रखना है, समय आपका है 1 घंटा, और मिनट में रखना है, इसका मतलब 60 मिनट ना, चलो कर देते हैं। ये काटा कितनी बार कटा, ये 2 बार, 200 आया ना दोस्तों, कितना आया 200, तो 200 मीटर पर मिनट वाला ऑप्शन कौन सा, देख लो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाले ऑप्शन में क्या 200 मीटर पर मिनट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इकाई जो अगला मांग रहा है उसी में चेंज कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन भी नॉर्मल सा है दोस्तों, क्या कह रखे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना आपको, मतलब गति मीटर पर सेकंड में बदलनी। तो आप सबको पता है दोस्तों आपको दे रखा है 1 किलोमीटर बटा घंटा, ऐसे तो दे रखा है दोस्तों, आपको इसमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है दोस्तों, 3600 सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है ना, इसका मतलब 1000 बटे 3600 वाला ऑप्शन, या काट के भी मिल सकता है ऑप्शन, तो 1000 बटे 3600 वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। दोस्तों ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको, मतलब सीधा सा कहे 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको पता है 5/18 वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है इसको 1000/3600 काटते हैं, 5/18 ही आता है, देख लो भले कोई दिक्कत नहीं, किस 5/18 यार है कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोस्तों आपके बढ़िया क्वेश्चन था, कर सकते हो आराम से, वैसे मैंने बताया हुआ अभी ये दोस्तों पीछे कई बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप है, कोई दिक्कत नहीं आज। तो आपको दे रखा है दोस्तों 18 किलो का मूल्य आपको ज्ञात करना है, 18 किलो का मूल्य क्या है, 18 किलो का मूल्य आपको ज्ञात करना है। यदि एक दर्जन का मतलब होता है 12 किलो, 12 किलो का मूल्य दोस्तों आपको कितना दिया है, 12 किलो का मूल्य आपको दिया, देख लो कितना दे रखा है, 4 रुपये क्या, 4 रुपये, 12 किलो का मूल्य 4 रुपये है। तो मतलब पहले एक का निकाला, 1 बराबर 4/12, आपको कितने का ज्ञात करना है, उससे गुणा कर दो, 18 से गुणा कर दो, फिर इसको आप काट दो 6 से 3 बार, और ये 6 से 2 बार, इसको 2 से काट दो, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, इसका मतलब 2 3 कितना हो गया, 6 रुपये, 6 लगेगा, कितने रुपए लगेगा दोस्तों, 6, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन कर सकते हो ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, थोड़ा सा जूम कर दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों सामने आ गया, क्या है
बारह मेन, पहले इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो, बारह मेन एंड एन दोस्तों, इसके जगह कर लो ओवर, ओवर कर लो ओवर, या हिंदी में करना चाहो तो यहाँ कर लो, या हिंदी में करना चाहो तो यहाँ या कर लो, थोड़ा करेक्शन कर लो क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइप मिस्टेक हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पहले तो यहाँ कर लो ओवर, और एंड की जगह क्या करना, ओवर करना है, और हिंदी में अथवा कर लो या कर लो, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना, थोड़ा बोर्ड पे बताऊँ या तो फिर चलो ऐसे करवा देता हूँ मैं आपको, कोई भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ एक थोड़ी सी, ठीक है। दिन दिन बट्टा एम टू बट्टे एम वन, एम टू बट्टे एम वन प्लस डब्लू टू बट्टे डब्लू वन, दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए ना, पहले में तो दे रखा हो क्या या, यहाँ या हो और बाद में और दे रखा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप ऐसे हल कर सकते हैं। हालांकि एक ट्रिक मेरे पास और है लेकिन थोड़ा सा वो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, दिन कितने दे रखा है दोस्तों, दिन आपको दे रखा है चलो देख लेते हैं, 14 दिन है, 14 बट्टे एम टू का मतलब हुआ दो नंबर वाले पुरुष, एम टू का मतलब हुआ दो नंबर वाले पुरुष कितने दोस्तों, दो नंबर में कितना दिया देखो, कितना दिया देख लो, आठ, आठ है ना, आठ, आठ बट्टे में क्या करना है, आठ बट्टे में पहले नंबर वाले पुरुष कितने हैं, बारह, आठ बट्टे बारह प्लस कर दो फिर कितना, दो नंबर वाली महिलाएं कितनी है, सोलह, सोलह बट्टे क्या करना है देख लो वो, सोलह अठारह है ना, अठारह। अब दोस्तों इसको आप है ना मिस सही बट्टे का ये जोड़ बाकी आप हल करके देख लेना कितना आता है, चलो मैं करके बताऊं क्या यहाँ बार है, ठीक है। इसका मतलब ये चार से काट के रो अंतिम में आप हल करोगे शायद तक इसका कितना आएगा, नौ आएगा, आप इसको मतलब हल करके देख लेना, नौ दिन आएगा दोस्तों, कितना दिन आएगा, नौ दिन आएगा, ये आप हल करके देख लेना, ये तरीका मैं बता दिया हूँ आपको, आसान तरीका बताया दोस्तों, दिन बट्टे एम टू प्लस एम टू बट्टे एम वन प्लस डब्लू टू बट्टे डब्लू वन, इस सूत्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो भी है नीचे दिखाई देगा, नौ दिन, नौ दिन शायद तक नीचे है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी राइट होगा, डी राइट होगा, ये आप कर लेना दोस्तों, पहले तो ये करेक्शन कर लेना, और की जगह आप या लिख लो, और की जगह दोस्तों क्या लिख लो, या लिख लो, ये करेक्शन कर लेना पहले फिर क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोनों में आपको पता है यहाँ और देता तो एक कंडीशन और देनी पड़ती तभी वो हल होता, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, पांच छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी, औसत लंबाई बतानी आपको, बताए 30 40 50 60 70 दे रखा है, तो देखो अंतर समान है तो बीच वाला पद ले लो, सीधा ही दिखाई दे रहा है 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि अंतर समान है देखो 10 10 का, इसका मतलब बीच वाला पद ले लो 5 है, ठीक है, जो भी है 50 है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है दोस्तों जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्या है, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई धनराशि क्या दे रखा है, आठ वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, आठ वर्ष में दोगुनी, इसका मतलब दोस्तों हमने मूलधन कितना माना, मूलधन हमने माना 100, ब्याज कितना हुआ, ब्याज अब देखो दोगुनी राशि हो रही है, इसका मतलब ब्याज तो 100 ही हुआ ना, क्योंकि 200 रुपये मिश्रधन कितना हुआ दोस्तों, 200 रुपये हो, 100 का 200 हो गया, ब्याज तो 100 ही हुआ ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कितने कोई राशि कितनी ब्याज दर पर, दर ज्ञात करनी है, इसका मतलब दर क्या होगा, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना आपका 100 गुणा 100 बट्टे मूलधन भी 100 है, मूलधन गुणा क्या समय, समय कितना 8 ना, काट दो 100 से 100 काटा, फिर ये काट दो कितने 4 से कट रहा है, ये 25 बार और ये 4 से 2 बार, 25 बटे 2 का मतलब 12.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने आगे, क्या है, क्या दे रखा है, एक आदमी क्या दे रखा है, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और 1500 रुपये में, 1500 ही ना, 1500 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसका मतलब आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना दोस्तों, कितने का वाला लाभ, पहले बताओ कितने का वाला लाभ, लाभ हुआ 500 रुपये का, और किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना 1000 रुपये, और गुणा में 100 कर दो, आप काट के हल कर लो कितना 0 0, ये 0 कट गया, कितना है 50% ना दोस्तों, 50% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब दो, क्या है, 3 घंटे 45 मिनट का सेकेंड में बदलना है, 3 गुणा आपको क्या करना है 36 होना, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, प्लस 45 गुणा 60, 45 गुणा 60 क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, चलो ये कितना आएगा 108 और कितने 0 2 0, फिर क्या है ये कर दो 0 30, 80 लगी 3 क्या 24 से 3 27, ये जोड़ोगे दोस्तों आपका कितना आएगा 13500 आएगा, कितना आएगा 13500 आएगा, सही तक आप जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आर्मी एग्जाम में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दो, आपको क्या दे रखा है 140 का 30%, इसका मतलब 30 बटे 100 लिख दो,
फिर क्या दिया है, बराबर 840 का एक्स प्रतिशत, एक्स बटे 100 लिख दूँ दोस्तों। अब देख लो 100 से 100 काट दो, फिर देखो ये 0 से 0 काट दो, 14 से कितना होता है, 84 होता है ना, इसका मतलब 6x बराबर कितना दोस्तों, 30। 6x बराबर 30, एक्स बराबर कितना आएगा, 30/6 यानी आपका आएगा 5। कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगले स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, जल्दी से बताओ दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा 6/20 के बराबर, 6/20 लिखो और गुणा में 100 लगा दो, क्योंकि प्रतिशत में है देखो, तो ये काट दो 0 से 0, ये कितनी बार कटा, 5 बार ना, 5 छक्के कितना हो गया, 30। क्या जवाब होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। आपको क्या वर्गमूल बताना है, 4096 का वर्गमूल आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 64 होता है। ये निकाल लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, भाग विधि या कोई भी विधि, आप गुणनखंड विधि दोनों में से कोई से भी निकाल लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ दोस्तों। आपको पता है एलसीएम में आपको अधिकतम घात लेनी, 2 देखो अधिकतम कितनी बार, 1 बार। फिर 3 देखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 5 देखो, फिर कितना, 7। ये ले लिया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो 2 × 3 × 5 × 7 यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा ना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। और इसी में दोस्तों एचसीएफ और बता दो, क्योंकि कई बार एचसीएफ भी पता कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों कॉमन लेना है, कॉमन कितने है देखो, कॉमन कौन कौन है, यहाँ 2 नहीं है, 3 है ना, 3 और 5 है, कॉमन 3 और 5 है। यदि आपको कहता ना एचसीएफ बताओ, तब आप 3 × 5 करते, एलसीएम का है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार लाइव चैट में जवाब दो, ताकि हम भी जान पाए हमारी क्लास का रिस्पॉन्स कैसा बने मिला। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जो भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और सुबह 8 बजे वाली लाइव क्लास, मैराथन क्लास लेना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।